साथियों नमस्कार, आप देख रहे सन्नी क्रिएटर, मैं हूँ सन्नी यादव। मेरे साथ 1 करोड़ दान देने वाले दानवीर राम मंदिर के लिए सिया राम जी हैं, प्रतापगढ़ के। जैसा कि आपको पता हो कि इसके पहले आप जब वीडियो देखे थे तो काफ़ी वीडियो वायरल चला। और अंकल जी की एक बात बता दूँ, वो भी अंकल जी पहले से टैक्सी चला के तमाम प्रकार से संघर्षों से पैसा इकट्ठा करके राम मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपये दिया। जैसा कि इस समय 22 जनवरी नज़दीक आ रहा है और सबको इनवाइट कार्ड दिया जा रहा है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए, तो दादाजी की ये इनवाइट कार्ड है, आप देख सकते हैं इनको इन्वाइट कार्ड मिल चुका है। सामने यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं, श्री सिया राम सुत जी, और इनका कार्ड नंबर है 7301। और ये थोड़ा सा ये इनवाइट कार्ड है, उसके बाद और थोड़ा सा दादाजी से बात करते हैं। दादाजी सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। अगली बार आए थे याद है? हाँ हाँ, खूब याद है भैया, खूब याद है जी। तो इस बार आपको इनवाइट कार्ड मिल गया है राम मंदिर के लिए जाने के लिए, तो इस पर क्या कहेंगे आप? अरे अब ये तो इंतजार था ही। अच्छा। कि एक दिन भगवान का बुलावा आएगा ही आएगा, और आज अभी 9 तारीख को बुलावा आ गया। मंदिर पर हमारे विभाग प्रचारक जी आए और सब संघ के हमारे अधिकारी आए और उन्होंने कार्ड हमें सौंपा। हमारा परिवार भी था, हमारी धर्मपत्नी भी थी, हमारे बच्चे भी थे, सब खुश हो गए कि भगवान ने गजब बुलावा आ गया है। क्योंकि कभी कभी जब भिखारी के हाथ हीरा लग जाता तो आप समझिए कितनी खुशी होती है। मुझ जैसे पूरा समाधान, अरे मैं जैसा व्यक्ति 100 रुपये का दुकान करने वाला व्यक्ति, अब आज मुझे बुलावा गया श्री राम जी का, तो सोचिए हम कितने, हमको राम जी कितना मानते हैं अपना भक्त, कि हमको 1 करोड़ रुपया उन्होंने तब ले लिया जब कोई नहीं दिए था, तब ले लिया सन 2018 में। हाँ बताइए, 18 में कोई उसको नहीं था कि बनेगा मंदिर। हम दे के आए, हमको लोग कह रहे थे, अरे सिया राम कहाँ रुपया फेंक आया, हाँ कहाँ फेंक आया। अरे हम कहे हम संघ लोगों को दिया है, संघ हमारे एक से बता दिया उनको, रज्जू भैया जैसे अरबों की प्रॉपर्टी अपना दे दिए संगठन को, हमने तो 1 करोड़ भगवान राम को दिया है, राम ने लिया तो हमने दिया, राम ने हमको पहले दिया तो बाद में राम को दिया, तो इसलिए उसमें कोई हमारी बहादुरी नहीं है, वो हमारे राम जी की बहादुरी है। हम उस लायक हमको समझे राम जी, इस लायक हमने हमको बनाया कि आज मैं इस लायक हुआ कि आज मुझे भगवान बुलाया है। अब मुझे कितना खुशी मिल रही है ये तो आप कल्पना कर सकते हैं, बस कल्पना ही कल्पना है। जो आनंद मुझे मिल रहा है आप सबको भी आनंद मिले, क्योंकि आप लोग भी राम भक्त हैं और राम का मंदिर बन रहा है, इसलिए आप खुशी हैं। बुलावा आज नहीं तो कल आएगा, क्या करना है, कोई घबराने की बात नहीं, राम तो वहीं रहेंगे, आप जब चाहें तब आवें, भीड़ भाड़ में आके क्या करेंगे, 30 तारीख के बाद आइए, आराम से भगवान से मिलिए, भगवान आपसे मिलें। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे आपका जीवन सुखमय हो, और इससे ज़्यादा आप लोगों हम क्या कह सकते हैं। कब तक जाएंगे आप? हम शुक्रवार हम सोचते हैं कि 2-1 दो पहले ही चले जाएं, जिससे वहां जाकर के कुछ और घूम घाम के तब तक आनंद लें, और 22 तारीख वहां सम्मिलित हों, 23 तारीख छोड़कर बड़ी भीड़ रहेगी आने लौटने में, हम 24 तारीख को अपना लौटेंगे। 18 तारीख से 25 तारीख का हमें पास मिला हुआ है, हम 18 तारीख से 25 तारीख तक वहाँ रह सकते हैं। तो ये उसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई हमें और काम ही नहीं है, अरे राम से बड़ा और क्या काम जीवन में अब तो होता। मैं 80 वर्ष का हो गया हूँ, अब तो राम है कि भजन करना है, राम लोगों की सेवा करना है, क्योंकि सेवा से बड़ा और कोई कार्य दुनिया में नहीं हो सकता है। बस आते हैं यहाँ तीर्थ यात्री, सीताराम धाम पे रहता हूँ, यहाँ आते हैं जो आते हैं उनकी समस्याएँ सब दूर करता हूँ, तन से मन से धन से तीनों प्रकार से यहाँ पर सेवा की जाती है। तन का कोई आए बीमार आदमी तो हम बता देंगे इलाज ऐसा कि उसका एकदम रोग ठीक हो जाएगा, मन से इसी उसको दुआएं भगवान से कह देंगे कि उसका तनाव खत्म हो जाएगा। अगर धन की कमी है, कोई चीज़ रोगी है, तो उसको यहाँ ले जाकर फ्री दवा उसको करा देंगे, भगवान ने इतना दिया कि उसमें कम होने वाला नहीं, भगवान हमारे का जैसा, अरे अब क्या बताएं आपसे, भगवान ने तो हमसे कह दिया माता के तोका सौंप देते हैं, चरवा बांधा रहा जितना चाह का छोड़ लेवा कर, हम जितना चाहे तो उतना छीन ले माता से, कुछ बोला थोड़ो माई, माई तो कभो नहीं बोला, तो आप लोग जानते हैं माई का होता है, समझा? तो इसलिए हमको भगवान ने हमारे ऊपर कृपा है, वो हमका कहा कि तोका ज़्यादा नहीं देते हैं, ज़्यादा दे के वहाँ हम फंसा देंगे, तो हम कहे ज़्यादा जिन देवा करा नहीं, फंस जा माया, माया इसी चीज फंस जा निकलना मुश्किल हो जाता है। हाँ तो इसलिए उनसे इतना नहीं कहता हूँ, हमको धन नहीं दीजिएगा, आप अपनी भक्ति दीजिए और मुझे सुख का जीवन बिताइए। तो इस वक्त भजन और भोजन, भगवान का भजन भोजन के अलावा और कुछ नहीं है। जो लोग आते हैं उनको माला करते रहते हैं, मगर जो आते हैं पहले माला छोड़कर इनकी सेवा करते हैं, क्योंकि वो राम आए, राम आए ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
आप सब ये समझा करिए कि सब में वही परमात्मा ही है, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए आप राम को दूसरे में राम को देखिए तो आपका सुखी जीवन बिताया। क्योंकि लड़किया के अगर बाप महतारी कुछ दिन लड़किया के एक पैकेट बिस्कुट दे दिया तो बाप महतारी बहुत खुश हो जाती। तो ये उनका लड़किया हैं सब, हम सब उनका लड़किया ही। हाँ, जितने संसार में जीव हैं सब उन्हीं से पैदा हुए हैं, इसलिए सब उनके बच्चे हैं। अगर उनके बच्चों को कोई कष्ट देता है तब वो फिर जान लो ठीक नहीं है, फिर उसका गड़बड़े कर देते हैं। तो आप लोग उनके बच्चों को कष्ट मत दीजिए, कुत्ते बिल्ली को भी डंडा मत मारिए। वो अपना कर्म भोग कर रहे हैं, जैसा कर्म किया वैसा भोग करेंगे। आखिर 84 लाख योनियाँ हैं ना, तो कहते हैं सबसे बड़ा योनि जो है मनुष्य की है। मनुष्य का बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तो बड़े भाग से मनुष्य तन मिले, इसका सदुपयोग आप लोग करिएगा। और सदुपयोग यही है कि दूसरों को सेवा करिएगा, और ये समझ करिए कि मैं ईश्वर की सेवा कर रहा हूँ। ईश्वर अंश जीव अभिन्यासी, सब में ईश्वर ही है। किसी से लड़ाई झगड़ा मारपीट गाली गलौज किसी को मत दीजिएगा। आप भी जियो, दूसरों को भी जीने दो, खुद भी हंसो दूसरों को भी हंसाते रहो, यही जीवन है। दो दिन का है, यहाँ कब कौन चला जाएगा पता नहीं। आप लोग देख रहे हैं एक्सीडेंट रोज हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, कब आपका भी नंबर आ जाए मेरा भी नंबर आ जाए, क्या भरोसा है। तो इसलिए जय दिन जियो, खुल कर जियो, हंस कर जियो, हंस कर जियो, दूसरों को भी हंसाते रो मत, तनाव नहीं झेलना। सारे रोग जो आजकल शुगर की बीमारी फैली है ये और कोई कारण नहीं है, ये तनाव है। तनाव आदमी इतना ले लिया कि उसको संतोष तो है नहीं, जितना उसको भोग करता नहीं है। साइकिल है तो स्कूटर से चक्कर, स्कूटर है तो कार का चक्कर, यही उसका चक्कर लगा रहता है, कभी खत्म होने वाला नहीं है। धन से तुलसीदास जी लिखते हैं, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, व्यक्ति का जैसे जैसे लाभ होता जाता है उसका लोभ और बढ़ता जाता है। और दो ही सबसे बड़े शत्रु हैं आपके, कहें यहाँ जिन लोभ घसाया तह जान, जिसको लोभ नहीं वो भगवान के बराबर कहते हो जाते हैं। दो ही चीज़ रोग का कारण है, एक मोह लोभ सकल व्याधिन कर मूला, सारे रोगों का जो है जड़ लोभ और मोह। तुलसीदास जी भी कहते हैं, कबीरदास जी भी कहते हैं, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, लोभ है तो पाप अवश्य हो जाएगा, और जहाँ क्रोध तहाँ काल है, और जहाँ क्षमा तहाँ आप। यही इसको मान के चला करिए। तुलसीदास जी भी लिखते हैं, परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समझ भाई। दूसरों को पीड़ा देना सबसे बड़ा पाप है, दूसरे को हित करना उसका बड़ा सबसे बड़ा पुण्य है। हम लोगों को यही चाहिए कि दूसरा कोई नहीं है, जिसकी हम सेवा कर रहे हैं वो राम ही है, राम के अलावा कुछ नहीं है। ये हमारा अपना विश्वास है, ये विश्वास दिलाता हूँ, एक गारंटी है। अगर मोदी जी की कोई गारंटी है तो मेरी भी गारंटी है कि राम की शरण में आओगे तो दुख तुमको छू नहीं जाएगा। सारा धन चाहे कितना होगा, सुख शांति आपको लेना है तो राम जी के चरण में आपको आना है, और सुख शांति यही है। धन से कोई सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। धन तो थोड़ा से कार्य करने के लिए धन चाहिए। हमारे दीनदयाल जी कहते थे, अर्थ ही सब कुछ नहीं है, मगर अर्थ के बिना भी कुछ नहीं है। तो अर्थ भी चाहिए, मगर उसके पीछे इतना न पागल हो जाइए कि अगला जन्म 84 लाख जो भोगना पड़े। हाँ, ऐसा कुछ काम मत करिए बंधु। दादाजी तब अयोध्या में कहाँ कहाँ घूमेंगे आप? अब भगवान जहाँ जहाँ हमको कुछ पता तो है नहीं, राम घाट वहाँ घाट जाएंगे। कई बार हमको याद नहीं रहता, भैया जी मेरी 80 वर्ष उम्र हो गई है, मुझे भगवान जहाँ ले जाता वहाँ चला जाता हूँ, जो आज बोल रहा हूँ जो बुलाता। मुझे तो लोग संग में कहते थे, संग में जाता था तो बड़ी लोग हंसी उड़ाते थे, क्योंकि मैं कक्षा 5वीं पास था तब। हाँ, वो तो बाद में मैं हाई स्कूल किया, इंटर किया, बीए किया, तो बाद में वीडियो आगे अगली वाली वीडियो बताए थे। हाँ, हुआ वो तो अलग। वो कहते थे कि आज भाई साहब का बौद्धिक हो जाए, भाई साहब का बौद्धिक। हम बौद्धिक दे नहीं पाते थे, कर्म में विश्वास थे, बौद्धिक हम नहीं आता था भाई, नहीं देते पाते। तो भाई साहब एक दिन हम कहे आज इनका बौद्धिक दही दे। हाँ, बैठे थे 50 लोग अपने संग के, बड़े बड़े थे लोग सब वहाँ कार्यकर्ता लोग। हाँ, सबने कहा क्या बौद्धिक करते हैं आप। अरे तुलसीदास जी ने बौद्धिक दिया, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। हाँ, आप लोग सुबह शाम अपने हित की बात करते हैं, कहाँ उनका बौद्धिक काम आया, कहाँ उनके अनुसार चलते हैं। कबीर दास जी ने कहा कि साँच बराबर तप नहीं, कि झूठ बराबर पाप। सवेरे संजा था हम देखी थे आप लोग सब झूठे झूठ बोला थे, दुकान में बैठा सब चीज़ झूठे झूठ बोलते हैं, तो कहाँ उनका बौद्धिक काम आया। हमारे डॉक्टर साहब जो हैं, जो संगठन संघ बनाए, उन्होंने कहा कि 1 घंटे का समय जो है संघ पे दो। हाँ, आओ कबड्डी खेलो, कूदो खेलो, स्वस्थ रहो, जिसे स्वस्थ रहना बहुत जरूरी होता है ना। हाँ, तो 1 घंटा आप बुलाया,
एक घंटे में आप कोई 5 मिनट आ रहा है, कोई 10 मिनट, कोई संग बिकिर हो रहा है, प्रार्थना हो रही, तब दौड़े आ रहे हो, एक घंटा भी समय नहीं निकाल पाते हो बौद्धिक। हमारे गुरु जी ने आपको बौद्धिक दिया कि जो अपना कमाओ उसमें 1% जो है, 10% जो है समाज के लिए दो। हाँ, जो कमाओ आप 1% भी नहीं देते हो, गुरुदक्षिणा करते हो तो कहते हो कितना कम से कम दें। एक सज्जन से मैंने पूछा, भाई आपकी दक्षिणा घटाए काय देव, कहें कि ऐसा है भाई साहब कि 10,000 रुपया हमें आलू में घाटा लग गया। तो हमने कहा 4 रुपये से आपका घाटा बढ़ गया क्या, 11 रुपया करते थे उन्होंने 7 रुपया कर दिया। अब बताओ ये मानसिकता के, अब वो कहते बौद्धिक दे दो, बौद्धिक क्या बौद्धिक आपको दे दूँ बताइए, जब इन लोगों को बौद्धिक नहीं काम किया हमारे बौद्धिक का क्या असर पड़ेगा, तब तो हमारे जितने था सब चुप हो गए, कहना आपने तो बौद्धिक पर बौद्धिक दे दिया। अरे हम कहना है तो बहुत बौद्धिक मखान रहा ना, तो बौद्धिक दे दिन, अरे कुछ हमका कई हम तो देखा था ही क्या करता है। हाँ, पहले जा दुकानी बैठा तो लवांगे दिखावा था। हाँ, अरे पहले नाश्ता पानी करावा तब लवंग दिखावा, आखिरी वाला पहले देता। हाँ, तो हम तो देखा था ही ना कि एक टाइम का भोजन भी कराने में आपको कठिनाई हो रही है, तो क्यों। तो ये लोग, आप लोग अपने विचार करिए कि कैसा मनुष्य का तन पाए हो, और जिस संगठन में वो पवित्र संगठन है, इसमें समय से आओ समय से जाओ, गुरुदक्षिणा में नहीं कुछ कर सकते हो तो 1% तो कम से कर लो भाई, समाज का काम इससे संघ का काम चलेगा, संगठन इससे बढ़ेगा। हाँ, मगर आप नहीं, आप अपने अनुसार चलते हो, तो अपने अनुसार चलते हो तो संगठन के अधिकारी क्या करें, मैं क्या करूँगा आपका। मैं तो आपको रास्ता बता सकता हूँ कि धर्म का रास्ता चलो, धर्म ही तुम्हारी रक्षा करेगा, और धर्म यही है कि सबसे बड़ा धर्म यही है कि दूसरे को हित करना। हाँ, प्यासे को पानी, भूखे को भोजन, बीमार रहते इलाज करा दो, यही सबसे बड़ा धर्म है। और इसलिए ऐसा करो कि ये सब में भगवान समझ करोगे, तुम्हें भगवान सारा सुख भर देंगे, आप आघा जाओगे धन से, सुख से, मगर परिवार से आज मेरे पास क्या नहीं है, तन है, मन है, धन है, परिवार है, समाज में इज्जत है, क्या नहीं है। आज देखो लाइन लगी है इंटरव्यू लेने वाले, क्यों लगी है, अरे इसलिए भगवान ने सब हमारा काम, हमने भगवान का काम किया, भगवान हमारा कार्य कर रहे हैं। आज हमको उस जगह बुला हुआ आ गया है, जहाँ सोचिए मैं जैसे व्यक्ति बुला हुआ आ गया कि आइए यहाँ दर्शन करिए हमारा। हाँ, अब जाएंगे प्रभु का दर्शन करेंगे, हमारा जीवन धन है, अब दो साल जिए, 4 साल जिएंगे, देंगे सेवा करेंगे, और जब जिन दिन बुला लेंगे तो उस दिन चले जाएंगे, क्या करना है। गुरु जी, दादाजी अकेले जाएंगे, किसी को लिवा के जाएंगे? हम अपने बेटे को लिवा के जाएंगे, क्यों हमारा बेटा गाड़ी चलाता है। अच्छा। हम बैठ कर आराम से जाएंगे, बेटवा गाड़ी चलाए और ले जाब हुआ, जहाँ गाड़ी खड़ी करा दें हम खड़े रहे, जहाँ बेटवा को हमारे बैठा दें, जहाँ हमका बैठा दें, तो हम उनके ऊपर उनकी योजना में हमें कोई खलल नहीं करना है। दी, दी। क्योंकि हम लोग संघ स्वयं सेवक हैं, अनुशासित रहते हैं, जो हमसे जहाँ भी बैठाएँ वहाँ बैठेंगे, जहाँ उठाएँ जो भी करेंगे वो करेंगे, हमको किसी चीज़ से लोभ मोह नहीं है कि हमको अच्छी जगह, हम तो जंगल में रहने वाले हैं, हम तो जाते हैं एक महीना हमारे कोटद्वार में, वहाँ नदी मालिनी नदी है, उसके तट पर जाते हैं एक महीना, वहाँ झोपड़ी वहाँ रहते हैं, आराम से वहाँ फल खाते हैं, जीवन बिताते हैं, तभी तो 80 साल की उम्र आज आपके सामने देखो टाना टन बोल रहा हूँ। यही कहने वाले थे अब। हाँ, क्योंकि 80 वर्ष की उम्र कम नहीं होती भैया, हमारे जितने साथी होती थे वो 60, 65, 70 तक ऊपर चले गए, हमको पता नहीं भगवान ने क्यों जिला ला रखा है, इसीलिए शायद इसी दिन देखने के लिए जिला रखा था। अभी रिटायर, आपकी रिटायर की डेट लंबी हो गई है। लंबी हो गई, अरे अब हमारा 20 साल उम्र बढ़ गई, मैं 20 साल और रहूँगा, उनकी भगवान की सेवा करूँगा भाई, ऐसा थोड़ी है, क्योंकि भगवान रखेंगे, हम उनके प्रचारक हैं, उनका प्रचार करेंगे जगह जगह जा करके, भाई ये देखो राम ने हमको दिया, तुम भी ऐसे करो, तुम भी सुख भोग करो, या मैं उदाहरण बनूंगा उनके सामने, दिखाऊंगा अपना घर ले जाके, द्वार दिखाऊंगा। हाँ, हमें देखें कि हम तो कहीं एक चीज़ बताओ, अगली वीडियो में आपने देखा नहीं होगा, बहुत लोग बोलते होंगे क्या 1 करोड़ दिए, कोई रसीद है, कोई सबूत है, लेकिन अंकल जी के पास रसीद है 1 करोड़ का, ये रसीद देख सकते हैं, यहाँ पे हम रख सकते हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे राशि लिखी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1,000, 10,000, 10,00,000, करोड़, 1 करोड़ है। बाकी इनका नाम है श्री राम जन्मभूमि नेवता, 1 करोड़ रुपये यहाँ पे इनका सिग्नेचर है, अंकल जी का नाम लिखा है, बाकी ये कुछ डिटेल्स लिखी हैं, आप देख सकते हैं, चंपत राय जी हैं, और ये उनका साबूत है। हालांकि बहुत लोग विश्वास नहीं कर रहे होंगे कि क्या लगता है फेक बोल रहे हैं दादा, या डायलॉग मार रहे हैं अपना नाम करने के लिए, दादा बहुत लोग ऐसी अवधारणा हो सकती है ना कि दादाजी कितने अपना नाम कमाने के लिए बोल रहे हैं, 1 करोड़ 1 करोड़ कम पर रुपया नहीं होता, लेकिन ये रसीद है सामने अंकल जी को, ये इन्वाइट कार्ड भी मिला है, 22 जनवरी को इनको जाना है, 18 से 25 तक इस कार्ड का डेट है, जहाँ पर आप जाके निःशुल्क गाड़ी पार, खाना पीना सब व्यवस्था वहाँ पर रहेगा, आराम से सज्जन की तरह आपकी सेवा की जाएगी, और इसके अंदर और तमाम प्रकार के, हालांकि हमने सब पहले पढ़ लिया, तो
हमारा इस वीडियो से एक ही मकसद था कि अंकल जी को भी इनवाइट कार्ड मिल चुका है, अंकल जी भी जाएंगे धूमधाम से, कुछ दिन पहले जाएंगे और अयोध्या की नगरी देखेंगे, सब नज़ारा देखेंगे, आनंद लेंगे। और क्योंकि अब जाने की उम्र है, थोड़ा सा इंजॉय ले लिया जाए ना अंकल जी, इसी बात। तो फिलहाल आपकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जो होता ना, मैं बता दूँ अंकल जी का एड्रेस, बहुत लोग मेरे वीडियो में कमेंट किए थे कि एड्रेस कहाँ अंकल जी का, तो ये प्रतापगढ़ जनपद के जोगापुर एक इलाका है, और एक जोगापुर इलाके में एक मंदिर है जिस अंकल जी के द्वारा ही निर्माण कराया गया है, सीताराम धाम मंदिर जो जोगापुर इलाके में है, प्रयागराज और अयोध्या मार्ग में ही पड़ता है न जी अंकल जी, प्रतापगढ़ जिले में। तो ये रहा अंकल जी का एड्रेस, फिलहाल आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जो बताना, फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। अगर आप राम भक्त हैं तो जय श्री राम जरूर लिखिएगा, और भी अगर कुछ है तो फिर प्लीज़ कमेंट करिएगा, फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम और जय श्री राम। जय हम तो नमस्ते की जगह राम राम कहना शुरू करते हैं। राम राम, हाँ, जो मुझे नमस्ते करते हैं फोन पे कि नमस्ते भाई साहब, तो मैं कहता हूँ राम 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 राम। हाँ, अब राम राम के अलावा नमस्ते गया पूरा राम योग, जय राम करते थे जो बोले, कोई नमस्ते नहीं था अपने यहाँ, ये संस्कार था कि भैया मिलते थे राम 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 राम। मैं अब हाँ जय राम जय राम जी, अब मैं जिस मिलते हैं तो उसे कहते हैं भैया राम राम, सीता राम राम राम, सिया राम जय राम, कुछ कहा नाम राम युग चल रहा है, राम युग चल रहा है, सब लोग राममय हो गया है, आप लोग भी राममय होइए, क्योंकि बिना इसके सुख मिलने वाला नहीं है।